नमस्कार, आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर मावा से गुलाब जामुन। ये इंस्टेंट मावा से बनता है और हम मिल्क पाउडर से मावा बनाएंगे, फिर गुलाब जामुन बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है गुलाब जामुन। तो इसके लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर, मिल्क और घी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन गरम कर लेंगे और उसमें डाल देंगे दूध, और थोड़ा गरम होने के बाद इसमें डालेंगे घी। और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा गर्म होने के, जैसे कि हमारा हल्का गर्म होने के बाद ही मिल्क पाउडर डालें, और इसको अच्छी तरह से चलाते रहें। इसको कंटिन्यूस चलाते रहें गाढ़ा होने तक। लगभग आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा। और अभी हमारा जो मावा जो है गाढ़ा होने के बाद रेडी है। अभी हम गुलाब जामुन का डो प्रिपेयर करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। आप डिटेल्स कितना कितना क्वांटिटी में चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और इसमें ले रही हूँ मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा। आपको बेकिंग सोडा बहुत कम लेना है, एक चुटकी लेना है, लगभग 1 ग्राम। बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल लेंगे तो आपका गुलाब जामुन जो है फट जाएगा और ये शेप अच्छा नहीं रहेगा। और दूध दूध लेना है आपको लगभग जितना कि हमारा आटे जैसे ते हैं उसी हिसाब से, जैसा कि हमारा गोला बन जाए उसी हिसाब से आपको दूध लेना है। और इसको एक डो बना देना है। ये देखिए बन गया है डो, और इसको आपको ज़्यादा गूंथना नहीं है। अभी हम बनाएंगे चाशनी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 ग्लास पानी और लगभग 200 से 250 ग्राम चीनी। मतलब जितना आपका पानी लेना है उतना ही आपको चीनी भी लेना है। अगर आप 1/2 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1/2 kg ही चीनी लीजिए। इसमें हम डाल देंगे इलायची 2 से 3, और इसको अच्छी तरह से चला देंगे। अभी देखिए इसमें उबाल आने लगा है, और आपको शुगर सिरप, आपका जो चाशनी बनने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा। दस 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा अपने हाथ में थोड़ा सा लीजिए और थोड़ा जैसे चिपचिपा हो जाए, एक तार की चाशनी बन जाए उसमें। अभी आप गैस बंद कर दें और इस समय आप डालें गुलाब जल और नींबू का जूस। ये दोनों एक एक चम्मच लेना है आपको। इसके बाद आप गैस बंद कर दें और अलग से रख दें। अभी हम बनाएंगे हमारा जो डो था उसका हम बॉल बना लेंगे। मैं राउंड शेप का बना रही हूँ, आप चाहे तो सिलेंडर वाला शेप भी बना सकते हैं। अभी मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ये ऑलरेडी गरम हो चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे हमारा गुलाब जामुन बॉल, और इस समय थोड़ा गरम होने के बाद आप थोड़ा मीडियम कर दें, और ऐसे धीरे धीरे आपको चलाते रहना है, चलाते हुए ही तलना है। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है गुलाब जामुन को, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक या फिर थोड़ा सा ब्राउन होने तक आपको तलना है इसमें। ये देखिए, और इस समय आप ध्यान रहे कि मीडियम फ्लेम या फिर स्लो स्लो फ्लेम में ही तले। अभी देखिए हमारा गुलाब जामुन जो है ब्राउन हो चुका है, अभी रेडी है। अभी हमारा शुगर सिरप में हम इसको डाल देंगे और लगभग 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए, इसको इसमें ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। अभी 2 घंटे के बाद देखिए गुलाब जामुन जो है अभी खाने के लिए रेडी है। आप चाहे तो ठंडा करके खा सकते हैं या फिर गर्म भी सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।